बच्चों को घर पर रखे बाहर जाने से रोके, बाहर पार्कों में जाने ना दे क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को सख्ती से बाहर जाने से मना करें, शुक्रिया। कोरोना के हवाले से सारे पाकिस्तान में ही एक लॉकडाउन शुरू हो रहा है। हाल ही में सिंध के बाद पंजाब में 14 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अभी मैंने आपको ऐलान सुनाया, पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ जगह पर जाकर ऐलान किए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को पार्कों में ना जाने दें और अपने बच्चों के ज़रिए कोरोना वायरस को अपने घर में ना लेके आएँ, क्योंकि कोरोना वायरस तब तक आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आप कोरोना वायरस को खुद अपने घर में दाखिल होने की दावत नहीं देंगे बाहर जाकर। आजकल देखा जाता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की खेलों की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो बच्चे खुद बाहर जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो हाथ धोए बगैर जो है वो आपके साथ मिलते जुलते हैं, घर में बैठते हैं, तो किसी एक के ज़रिए भी कोरोना वायरस आपके घर में दाखिल हो सकता है। इसमें एहतियाती तदबीर यही है कि हम अपने बच्चों को अपने घर तक महदूद करें और इसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा करें और गैर ज़रूरी काम ज़रूरत के अलावा हम घर से बाहर ना जाएं। किसी किस्म का भी गैर ज़रूरी काम जो है हम उसको फौरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें उसको करने के लिए, बल्कि हम काफ़ी सारे काम इकट्ठे करके उस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं और चीज़ें लेके, ज़रूरत की चीज़ें लेके वापस घर में आ जाएं। हम इस चीज़ पे पाबंद रहें कि हम खुद भी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और अपने बच्चों को भी खेल कूद के लिए बाहर ना लेकर जाएं। जब तक हम बाहर से जाकर खुद कोरोना वायरस को अपने घर में नहीं लाएंगे, कोरोना वायरस हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। हम इस पर सख्ती से अमल पैरा हों और हुकूमत पाकिस्तान के इस अमल को भी सराहें, उनकी इस बात को जो है हम बखुशी कबूल करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम महफूज हैं तो सब महफूज हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए हम खुद भी महफूज होंगे और दूसरों को भी महफूज करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप खुद किसी चीज़ में बीमारी में शामिल हो सकते हैं किसी वजह से, तो हम उसको अपने तौर पे जो है हम खुद उसको ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही हो रहा है कि आपकी वजह से कोई और भी बीमार हो सकता है, तो हमें इस पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए, खुद को अपने घरों तक महदूद करें। शुक्रिया।